भाई जो है ना स्पेशल पानी व्यवस्था किया हुआ है, क्योंकि पानी तो गिर ही रहा है लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं तो प्यास लग रहा है और थक गए। इंद्रिम हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और आप लोग के दोस्त हम लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो स्वागत करता हूं और एक न्यू ब्लॉग पे। ये जो ब्लॉग है दोस्तों झड़ी झड़ी वाला ब्लॉग है, क्योंकि जो हमारे साइड जो है ना लगातार 3 दिन से बारिश हो रहा है हल्का हल्का। एक टाइम पानी गिरता है और एक टाइम जो है ना रगी करता है। तो आप लोगों को पता ही होगा इस बार हम रोपा नहीं लगाए हैं दोस्तों। इस बार हम लोग लगाए हैं, सब खेतों में बुनाई कर दिए हैं पूरा सूखा वाला, ठीक है। तो अभी जो है होता है क्या होता है कि धानों को अगर बुनाई कर देते हैं तो उनको बियासी किया जाता है। तो आज हम लोग जो है ना बियासी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, तो बियासी कर रहे हैं। मामा लोग हैं, पापा लोग हैं, जीजा लोग सब आए हुए हैं। मतलब सब नांगर वाला दोस्तों ट्रैक्टर से तो बनता नहीं है। अगर बाहुबली ट्रैक्टर से बनता ना तो बाहुबली ट्रैक्टर से ही मैं इसको बियासी कर देता। तो मैं इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाँव क्षेत्र में हम लोग किस तरह से बियासी करते हैं, किस तरह से धानों को दोस्तों ये बियासी होता क्या है। मतलब इसको दोस्तों प्रकार से विवाह कर रहे हैं अभी दोस्तों। इसमें भी बियासी करेंगे, उसके बाद जितना भी घास है वो सब मरेगा, क्या होगा, फिर हम लोग इसको छटाई करेंगे, मतलब निंदाई करेंगे, घास सबको निकालेंगे थोड़ा मोड़ा। तो अभी जो है बियासी होती ही आ रहा है, तो आप लोगों को सोचा कि क्यों ना दिखाया जाए। इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। इस ब्लॉग में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर दीजिएगा और कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो देख सकते हैं अभी टोटल 4 नांगर है और भाई जो है ना सबके लिए पानी लेके आया है। हाय बाबा, बाय बाबा। तो ये सुबह से लगे हुए हैं। कितने बजे से लगे हुए हैं भैया जी और मामा जी? कितने बजे से लगे हुए बताइए कुछ। हम लोग 6 बजे से। तो जहाँ नहर किनारे के पास था वहाँ का कंप्लीट हो चुका है। और भाई जो है ना स्पेशल पानी व्यवस्था किया हुआ है, क्योंकि पानी तो गिर ही रहा है लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं तो प्यास लग रहा है और थक गए। दारू पी रहे हैं। दारू नहीं, पानी पी रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं, थक गए हैं। और इधर का नज़ारा देख लीजिए, लबालब पानी भरा हुआ है दोस्तों। रात से पानी गिर रहा है और अभी तक हल्का हल्का गिर ही रहा है। तो अभी ये इमली छीना का पेड़ है, अभी बचा हुआ है इतना, अभी देखिए आधा भी नहीं हुआ है। नदगाली भयंकर नदगाली ला। तो अभी कंप्लीट होगा, उसके बाद घर के पास कभी जाना है। पानी चलिए दोस्तों देखिए कि हमारे गांव में नहीं किसी भी गांव में दोस्तों किस तरह से धानों को बुनाई करते हैं, उसके बाद बियासी कैसे करते हैं बैलों के माध्यम से, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैं भी जो खेत के बीचों बीच में आ चुका हूँ और नज़ारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों। और उधर जो है विक्रम भाई खुखड़ी उठा रहा है और इधर जो है ना बियासी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा बैलों से कैसे बियासी कर रहे हैं। आप लोग मत समझिएगा कि ये जो है अभी धान में हम जुताई कर दे रहे हैं, इसके बाद धान मर जाएगा। एक नियम रहता है, एक परंपरा रहता है दोस्तों इसको बियासी करने का, तो अभी कर रहे हैं। बियासी किया हुआ धान और बिना बियासी किया हुआ धान अलग अलग दिखता है दोस्तों। इधर देखो ये सब बियासी किया हुआ है और उधर जो है ना नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो भी उसमें भी धान लगेगा, फूटेगा धीरे धीरे। इस तरह से बियासी किया जाता है, देख पा रहे हो। आप लोगों के साथ कैसे किया जाता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तरफ ऐसे ही किया जाता होगा दोस्तों। देखिए जुताई चल रहा है, बढ़िया जुताई चल रहा है। हाँ, बियासी कर रहे हैं उधर बिना बियासी किए हो। हाँ तुलसी सभी तरफ हरा भरा दिख रहे हैं। इस बार हमारे पड़ोसी लोग भी है बुनाई कर दिए हैं, रोपा नहीं लगा इस बार। और क्या कुकड़ी मिल गया, दिखाओ क्या कुकड़ी बोलते हैं। भुड़ू नहीं, कुड्डा कुकड़ी बोलते हैं। तो ऐसा नज़ारा है दोस्तों। अब कंप्लीट होगा धीरे धीरे, तो काम तो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाया दोस्तों कि गांव क्षेत्र में हम लोग किस तरह से धान को बुनाई करने के बाद उसको बियासी कैसे करते हैं, और बियासी करना ज़रूरी है दोस्तों। कई लोग जो है कई तरह से करते हैं, हम लोग जो है इस तरह से बियासी करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाया। और उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों के साइड किस तरह से ऐसा करते हैं, धानों को करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है इस तरह से करते हैं। और ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम लोग अभी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अच्छे रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।